भगवान केदारनाथ की पंचमुखी जल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दे स्थल में विराजमान हुई। विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी में अपने द्वितीय रात्रि प्रवास के बाद 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ की डोली ने प्रस्थान किया और करीब 12 बजे डोली शीतकालीन गद्दे स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ पहुंची। डोली का ओंकारेश्वर मंदिर आगमन पर सैकड़ों भक्तों ने पुष्प नक्षत्रों से भव्य स्वागत किया। अब शीतकाल के अगले 6 माह यहीं पर भगवान केदारनाथ की पूजा अर्चना की जाएगी। आपको बता दें कि 27 अक्टूबर 2022 को भैया दूज के पर्व पर भगवान केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए थे और पंचमुखी उत्सव डोली यात्रा ने पहला रात्रि प्रवास रामपुर में किया था। इसके बाद द्वितीय रात्रि प्रवास के लिए डोली गुप्तकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर पहुंची। सुबह डोली ने शीतकालीन गद्दे स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ के लिए प्रस्थान कर ओंकारेश्वर मंदिर पहुंची। इस दौरान जगह जगह डोली का भक्तों ने पुष्प अक्षत्रों से स्वागत किया। इस दौरान रावल भीमा शंकर लिंग ने केदारनाथ धाम के प्रधान पुजारी टी गंगाधर लिंग का 6 माह केदारनाथ में विधि विधान से पूजा करने पर आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, भगवान केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली शीतकालीन गद्दे स्थल पहुंच गई है। अब शीतकालीन 6 माह तक यहां पर पूजा अर्चना होगी। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। बहुत संख्या कम आए थे, सबको रिकॉर्ड तोड़कर Thank you.